हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आज लिख रहे हो अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 20 क्वेश्चन। देख लीजिए, ये सभी के सभी पीबीआरसीआर में पूछा गया, 18-19 में पूछा गया, वही ओरिजिनल पेपर से उठाकर लिख रहे हो, क्योंकि आपका वही ओरिजिनल पेपर से आपका आने वाला एग्जाम जो होगा 13 नवम्बर या 15 जनवरी को, जिस बंदा को एग्जाम है वहाँ पे 100% वही क्वेश्चन रिपीट होगा, ऐसे चांस है। इसीलिए बहुत ही अच्छा तरह इसी प्रश्न पत्रों को पढ़ लीजिए। और जिस बंदा हमारा चैनल में नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज लैंड ऑफ रेसिंग सन। देख लीजिए, उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है, बता दीजिए, कहा जाता है। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन वन को चुना, जापान को चुना, उसको सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। और हजारों जिला का देश को थाउजेंड ऑफ लेक कहा जाता है, वो आपका फिनलैंड को कहा जाता है। हजारों जिले का देश फिनलैंड को कहा जाता है, और उगते सूरज का देश जो आपका जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड। देख लीजिए, फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, जुड़ी है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन देखकर ही बता दिया और आपका क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन फोर को चुना, फिल्म को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा, चलचित्र से संबंधित है, मूवीज से संबंधित है, फिल्म फेयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सिटी बैंक ऑफ व्हिच रिवर। देख लीजिए, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया आपका एग्जाम में, तो दोस्तों इसीलिए ये क्वेश्चन दे दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन टू को चुना, जमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली शहर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों अच्छा तरह पढ़ लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज रावलट एक्ट पासड। देख लीजिए, रावलट एक्ट कब पारित किया गया था, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन वन को चुना, 1919 को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनामाटा डिजीज कॉस्ट बाय। देख लीजिए, मिनामाटा रोग किसके लिए होता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहां पे जिस बंदा ऑप्शन थ्री को चुना, मरकरी को चुना, पारा को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा यही क्वेश्चन पढ़ने से, क्योंकि 13 नवंबर 15 जनवरी को जिस बंदा को एग्जाम है, डरने का कोई बात नहीं है, पीबीआरसीआर का क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा पीबीआरसीआर का क्वेश्चन पढ़ो, 18, 15, 16, 17, 18 का क्वेश्चन पढ़ो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन थ्री को चुना, 28 मार्च को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following is the best source of protein? देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से प्रोटीन का सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों चार ऑप्शन में आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत अच्छा, सोयाबीन होगा सही आंसर, यहाँ पे मछली दिया हुआ था तो आपका मछली सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपका ऑप्शन के थ्रू आपका ऑप्शन वन ही होगा सही आंसर, सोयाबीन होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा एक ही बात है, इंडियन आर्मी का एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, और जिस बंदा सोच रहा हो हमारा डर लग रहा है एग्जाम कैसे क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। आप पिछले 5 ईयर का 2050 से लेकर 2020 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर पूछा गया, ऑल इंडिया का, आपका ईयरों का जितने भी पूछा गया, वो आप पढ़ लिया तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है 2050 से लेकर 2020 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ हमारा पास है, आप चाहे तो खरीद सकते हो, जस्ट 89 रुपया पेमेंट करके मिल सकते हैं आपको। तो दोस्तों जस्ट 89 रुपया में मिल जाएगा 5 ईयर का क्वेश्चन। तो दोस्तों
दोस्तों जिस बंदा लेना चाहते हो इसी नंबर पे कॉल करके ले लीजिए। जो बंदा ले लिया वो तोड़ मोड़ के खा लीजिए, जो बंदा नहीं लिया जरूर फोन करके ले लीजिए, आपका एग्जाम यहीं से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन 15 में पूछा जाता है वही क्वेश्चन 16 में पूछा जाता रिपीट हो जाता है, जो क्वेश्चन 18 में पूछा जाता है वही क्वेश्चन 19 में पूछा रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए 5 ईयर का क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका एग्जाम 100% क्लियर। हमारे पास बहुत सारे एआरओ का क्वेश्चन है, एआरओ गुंटूर, एआरओ विशाखापट्टनम, एआरओ श्रीनगर, एआरओ जम्मू, बहुत ही नागपुर, कोयम्बटूर, सभी एआरओ का मिल जाएगा। जरूर इसी नंबर पे कॉल करके आप ले लीजिए, इसी नंबर पे कॉल करना होगा। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ किस तरह हमारा पीडीएफ है। तो दोस्तों देख लीजिए आपका एआरओ पालमपुर जो हिमाचल प्रदेश से पड़ती है, चाहे आप एआरओ पालमपुर से, चाहे हमीरपुर, चाहे आपका मंडी, कोई भी एआरओ से हो सभी एआरओ का मिल जाएगा। शिमला से कोई बात नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर में कॉल कीजिए, आपका एआरओ का अवेलेबल है तो ले लीजिए, फ़ोन करके जान लीजिए आपका एआरओ का अवेलेबल है। तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा, जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी मिल जाएगा। जरूर डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पे कॉल करके ले लीजिए, कोई बात नहीं है, जस्ट 89 रुपया पेमेंट करके 10 मिनट के अंदर ही चला जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप पढ़ लिया तो एग्जाम 110% आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरह पूछा गया देख लीजिए क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन आपका पूछा गया एक बार देख लीजिए, और आप डिस्क्रिप्शन में तो नंबर है उसी नंबर पे कॉल करके ले लीजिए। तो दोस्तों इसी नंबर पे आपका कॉल करना होगा, एग्ज़ाम के पहले बहुत टाइम है, आप पढ़ लीजिए अच्छा तरह, नहीं तो एग्ज़ाम चला गया तो आपका हाथ से मखा चला जाएगा, कोई बात नहीं, जस्ट 89 रुपया है। 89 रुपया तो आप चॉकलेट खाकर ही ख़त्म कर देता हो, लेकिन आपका 89 रुपया में फ्यूचर बन जाएगा, आपका पिता माता का नाम रोशन होगा, आप समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, बहुत ही अच्छा बात है। आप जरूर डिस्क्रिप्शन में नंबर है और नंबर तो देख लिया, इसी नंबर पर कॉल करके पेमेंट के 10 मिनट के अंदर ही आपका चला जाएगा। तो दोस्तों जरूर ले लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देख लीजिए बिजली का जो तांबा का तार होता है, बिजली का तार, तो दोस्तों बिजली का अच्छा चालक सुचालक कौन से तार होता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 3 को चुना, कॉपर को चुना, कॉपर सबसे अच्छा चालक है बिजली का, तो दोस्तों ऑप्शन 3 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर इज द शाहजहां टॉम्ब लोकेटेड, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ओरिजिनल पेपर से उठाओ ये क्वेश्चन फंस जाता है। तो दोस्तों शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, आगरा को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर व्हिच ट्रीटमेंट, देख लीजिए डायलिसिस का उपयोग कौन से रोग के लिए किया जाता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। कौन से इलाज के लिए किया जाता है, तो दोस्तों चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 3 को चुना, किडनी को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा होगा सही आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रो, देख लीजिए पौधे के वृद्धि के लिए मिट्टी का आवश्यक है, क्या आवश्यक है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 1 को चुना, नाइट्रोजन को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन दोबारा टाइप करके पूछा गया, दो बार पूछा गया, तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following is most suitable for electric wire? देख लीजिए निम्नलिखित में कौन से बिजली का तार के लिए सबसे उपयोग है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 2 को चुना, कॉपर को चुना, तांबा को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी, देख लीजिए भारतीय सेना का कितने अदर होता है बता दीजिए, कमांड होता है, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 3 को चुना, सही आंसर होगा 7 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ राजस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य का राजधानी का नाम क्या है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन 1 को चुना, जयपुर को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्न ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हाउ मेनी ईयर, देख लीजिए उपराष्ट्रपति का कितने वर्ष कार्यकाल होता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन वन को चुना, फाइव ईयर चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू देन थाने कवरेड हाउ मेनी डिस्टेंस। देख लीजिए मुंबई टू थाने के लिए जो पहले ट्रेन शुरुआत हुआ था कितने दूरी वो सफ़र किया था उसका बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन थ्री को चुना, जो 34 किलोमीटर को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइथर ऑफ द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। देख लीजिए लक्ष्मी प्रसाद के लेखक कौन है बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन वन को चुना, ट्विंकल खन्ना को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। देख लीजिए जिसने भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था बता दीजिए किसने किया था। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन थ्री को चुना, बाबर को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ ए स्टार डिपेंड्स ऑन इट इज। देख लीजिए किसी तारा का रंग उसका क्या दर्शाती है बता दीजिए, क्या इंडिकेट करती है। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन वन को चुना, टेम्परेचर चुना, जो तारे जितने चमकेगा वो तारे उतने ही गर्म होगा तो तापमात्रा को कहलाता है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडी मार्च वाज इंटरटेंड बाय महात्मा गांधी इन 1930 एजेंस्ट हुई लॉ। देख लीजिए डंडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा किस कानून के लिए खिलाफ के किया गया था बता दीजिए, खिलाफ किया गया था बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन वन को चुना, सॉल्ट लो को चुना, सही आंसर होगा नमक कानून के लिए वो किया गया था दंडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। और जिस बंदा अभी तक ओरिजिनल पेपर का PDF नहीं लिया, जरूर ले लीजिए इसी नंबर पर कॉल करके, आपका एग्जाम यहीं से क्लियर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। और जो बंदा रिलेशन भर्ती या स्पोर्ट्स भर्ती में जाता हो उसका भी ओरिजिनल पेपर है हमारा पास, इसी नंबर पे कॉल करके ले लीजिए। पेमेंट के 10 मिनट के अंदर ही हमारा तरफ से आपको सेंड कराया जाएगा। तो दोस्तों कॉल करके आप ले लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।